तो हेलो गाइस, वेलकम। तो गाइस, आप देख पा रहे हैं मेरा जो है टेंडा का राउटर है। अभी गर्मी का सीज़न बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है, कोई पता है कि आप लोग कितना गर्मी अभी दे रहा है। तो गाइस, ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा। हमें जो है नेट चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जो इतना ज़्यादा हीट हो जाने से फिर जो हमारा राउटर जो स्पीड है वो घट जाता है, ठीक है, उतना नहीं यूज़ कर, कभी कभी नो इंटरनेट भी हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि बहुत हीट होता है गाइस। तो चलिए, इसके लिए जो है आज कुछ जुगाड़ करने वाले हैं, जो कि हमारा जो ये टेंडा का राउटर है वो हीट ना हो, ठीक है। तो इस तरह का हमारे पास जो है कुछ कूलिंग फ़ैन है, जो कि 12 वोल्ट का, तो इसे हम ले लेंगे। तो हमारा ये जो है, ये देखते हैं, इसमें कुछ इस तरह से रखना पड़ेगा ताकि हमारी जो हवा जो है वो नीचे की तरफ फेंके, ठीक है। कुछ इस तरह में लगाना पड़ेगा, ये भी ठीक है, लेकिन ये छोटा है तो इसे हटाते हैं। जब मेरे पास इस साइज़ में है तो फिर छोटा क्यों लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो है बढ़िया वाला है, ठीक है, और ये अच्छा बहुत ही बेस्ट हवा देता है इसमें। तो हवा जो है हमें नीचे की तरफ फेंकना है, तो इस तरह से हम लगाएंगे। अब देख पा रहे कि इसी राउटर के हिसाब से जो हमारा ये आ जा रहा है, बैठ जा रहा है। बस हमको इसी तरह जो हमको कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा और इसमें पावर दे देना पड़ेगा, 12 वोल्ट, कुछ भी पावर आप दे सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये जो है हमारा पहले रन करता है कि नहीं, ये भी चेक कर लेना पड़ेगा। पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा ये रन कर रहा है कि नहीं अच्छे से। तो गाइस, अब देख पा रहे हैं, अब जो मैं इसे चेक करूंगा, जो कि डायरेक्ट मेरा सोलर वायर है, और अभी जो शाम का 6 बज गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अभी इसमें पावर आ रहा है कि नहीं। तो हम इसमें लगाते हैं, जोड़ देते हैं, देखते हैं कि इसमें पहले चेक करना हमको, चेक करने के लिए, ठीक है। तो हम इसमें चलिए लगा दिए हैं प्लस को प्लस के साथ और माइनस वायर को माइनस के साथ, ठीक है। तो गाइस, अब देख पा रहे हैं कि मेरा जो है ये फ़ैन रन कर रहा है, सही कंडीशन में है और बेस्ट हवा दे रहा है। इतना कूलिंग फैन बेस्ट, अभी इतना गर्मी में कूलिंग हवा दे रहा है। तो चलिए, इसे जो है ये मेरा रन कर रहा है, तो हमें जो कुछ इस तरह से जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि इस तरह से जो हम रखेंगे तो हमारा नीचे जो है कुछ गैप रहना चाहिए, ठीक है। तो गैप के लिए हमें कुछ जो है इसको जुगाड़ बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए, ये क्या है, 5, हाँ। तो गाइस, हाँ, इसी से भी हो जाएगा। तो हमको छोटा छोटा जैसे जो है काट लेना है 4 पीस, ठीक है। तो चलिए, मैं इसे जो है कट कर लेते हैं, पहले इसको हटाते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा। कितना मस्त जो है हमारे यहाँ पे बना है, ये जगह भी बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है छोटा छोटा काट के इस तरह से इतना साइज में, कम से कम एक उंगली के उतना कम से कम गैप रखना होगा, तभी हमारा जो हवा है इधर गर्म हवा फेंकेगा, ठीक है। इधर से हवा निकलेगा और इधर से हवा खींचेगा, क्योंकि राउटर का जो गर्म है वो इधर से खींचेगा। कुछ इस तरह से हमको सेट करना पड़ेगा। तो चलिए, इसे इस साइज में जो है काट लेते हैं पाइप को, कुछ इस तरह से इतना साइज में 4 पीस काट लेते हैं। तो इस तरह से जो हमको कट कर लेना है 4 पीस, ठीक है। इतना साइज में जो है मैं इतना साइज में, अब तक पर 4 पीस जो मैंने इसे कट कर लिए हैं। अब जो है गाइस, इसका जो यहाँ पे है, इस तरह से हम इसको लगा देंगे, 1, 2, 3, 4 गाइस, ये काफ़ी मजबूत है, ठीक है। अब देख पा रहे हैं कितना इसका जो है हाइट में है, ठीक है। हमको कुछ यहाँ पे सुपर ग्लू लगाने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेस्ट है और ये टाइट हो चुका है पाइप, ठीक है। अगर चाहते हो लगा सकते हो सुपर ग्लू, तो सुपर ग्लू लगा सकते हो, ठीक है। तो गाइस, ये बेस्ट है। अब देख पा रहे हैं इसका साइज़ में आपको दिखाता हूँ कितना हाइट में ये है। तो गाइस, अब देख पा रहे हैं इस फैन का जो हाइट है, अब देख पा रहे हैं कितना हाइट पे ये इसका स्टैंड है ना, यानी कि बेस्ट हवा इसमें से निकलेगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब जो है, ठीक है। तो गाइस, अब इस तरह से जो है हमें इस राउटर को सिर्फ रख देना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। इस तरह से जो है वायर आ जा रहा है, इस वायर को इस तरह से इधर निकाल सकते हो, ठीक है। इस वायर को हम यहाँ से निकाल लेंगे और हम इस राउटर को जो इस तरह से रख देंगे इधर करके, सेम सिर्फ रख देना है गाइस, कुछ नहीं करना है। और अगर चाहते हो कि बढ़िया से और ज़्यादा फिक्स हो, तो यहाँ पर आप सुपर ग्लू लगा सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हल्का सुपर ग्लू, यहाँ पे हल्का सुपर ग्लू, ठीक है, यहाँ पे हल्का सुपर ग्लू, और यहाँ पे हल्का सा जो है इसे इस तरह से चिपका सकते हो, ताकि हमारा फ़ैन जो है इधर उधर भागे नहीं,
एक जगह पे फिक्स रहेगा और इस तरह से घूमेगा। अब देख लेना है कि कहीं हमारा उधर टच ना हो। तो गाइस टच नहीं हो रहा, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, स्मूथ घूम रहा है ना। तो इस तरह से जो आपको फिक्स कर लेना है सुपर ग्लू या फिर ग्लू गन से। और गाइस कुछ नहीं, बस आपको जो है इसमें पावर दे देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। चलिए मैं इसमें पावर दे देता हूँ और देखते हैं कि ये कूलिंग हो रहा है कि नहीं। तो गाइस 100% गाइस ये कूलिंग होगा, तो चलिए मैं इसे पहले पावर दे देता हूँ, ठीक है। तो गाइस आप देख पा रहे हैं कि इसमें हम पावर दे दिए हैं, जो कि हमारा अभी जो है शाम के टाइम है उतना। ये जो डायरेक्ट अभी बैटरी से नहीं दिए हैं, अभी सोलर से दिए हैं, जो कि हमारा ये फ़ैन है रन कर रहा। आप देख पा रहे हैं, हम इसे उठाएंगे तो आप देख पा रहे हैं मेरा फ़ैन जो है अभी रन कर रहा है, ठीक है। अभी ज़्यादा उतना हाई स्पीड नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि शाम के टाइम तो ऑटोमेटिक ये राउटर ठंडा ही रहता है उतना, फिर भी गर्म हो रहता है थोड़ा सा, ठीक है। और दिन के टाइम ज़्यादा होता है, तो धूप के कारण से जो हमारा सोलर से जो हमारा फ़ैन भी चलेगा और हमारा इधर जो है राउटर भी चलेगा। तो गाइस इसी तरह जो है अब जो हम इसे बना दिए, आप भी कुछ इस तरह से जुगाड़ लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप चाह अगर आपका भी कुछ प्रॉब्लम इस तरह से हो रहा है कि ज़्यादा हीट होने के कारण चल नहीं रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम हो रहा है, नो इंटरनेट हो जा रहा है, कभी 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 रुक जा रहा है, कभी चल रहा है, तो गाइस इस तरह से आपको जो है कूलिंग फ़ैन लगा देना है, ठीक है। और बस कोई भी ऐसा डिवाइस है जो कि ज़्यादा हीट हो जाता है, तो इस तरह से फ़ैन लगा के आप जो है इसे अच्छे से आराम से ठंडा कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।